आज हो रही है हमारे घर पे पार्टी, क्योंकि आज हमारे घर पे नए नए मेहमान आए हुए हैं। देख सकते हैं आप, ये है हमारी पूजा दीदी। और उन्हें पता चलता है कैमरे फूट हो रहा होता है, देखना एक्टिव होने लग जाता है, हंसते भी नहीं है। तो उसके बाद तो इतनी वीडियो फोटो खींचता है। सुबह इस रात में आया था हमारे घर पर लोहड़ी, तीस दिन तो आए थे मूँगफली का जग, तिल छकड़ी वगैरह जो थी, पॉपकॉर्न तो आए थे, और दीदी आए थे हमारे बड़े वाले ननद घर पर आई हुई है, तो गाइस सब मिलकर खा रहे थे, लोहड़ी मना रहे थे। गाइस हैप्पी लोहड़ी सभी को। तो जी राधे राधे जी, सबको वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया नागर व्लॉग्स। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, आई होप कि सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस हो चुके सुबह और आज है मकर संक्रांति। हैप्पी मकर संक्रांति सभी को गाइस मेरी तरफ से। तो गाइस सब खुश रहो, बढ़िया रहो, छोटी सी जिंदगी है अपनी, अच्छे से जियो, किसी से क्या फ़ायदा, किसी से नाराज होना, गुस्सा होना, घर में लड़ाई झगड़े से मनी मना बोलते हैं इस दिन को, सब रूसों को मनाते हैं, तो हम तो किसी से नहीं रूसते भैया। तो गाइस सब खुश रहो, बढ़िया रहो, छोटी सी जिंदगी, अपनी जिंदगी खूब खुशी इसके साथ जियो, और कुछ पता नहीं कब किस पॉइंट में। सो गाइस बच्चे सो रहे हैं अभी, और मैं रख देती हूँ चाय वगैरह बनने के लिए। और आज बहुत धुंध है बाहर, बहुत ज़्यादा ठंडा है, ठंडा बहुत ज़्यादा, अभी बहुत ज़्यादा हो रही है आज तो। तो गाइस आज मनी मना होती है इस दिन, सबको पता है आज मनी मना है, कौन किसको मनाता है, किसको नहीं मनाता है। वैसे मशीन के बारे में बहुत सारे कपड़े हो रहे थे आज, और हमारी दीदी आई हुई है। वैसे तो देखो दीदी बोल रही दीदी को मनाने के लिए, लेकिन दीदी मना कर रही थी कि नहीं मैं नहीं मनूंगी, और देखते हैं गाइस मनाती हूँ कि किसको नहीं मनाती मैं। और वैसे तो गाइस मिलते हैं फिर थोड़ी देर में, फिर करती हूँ वीडियो को आगे कंटिन्यू। अभी तो सब सो रहे हैं, कर लेती हूँ अपनी चाय वगैरह बना लेती हूँ, नहाना धोना, अभी तो सिर धोना नहाना, ठंड हो रही बहुत। मिलते हैं गाइस थोड़ी देर में, फिर करती वीडियो का। मैं आ चुकी हूँ नहाकर, देख सकते हैं आप, नहाकर आ चुकी हूँ, और मैंने देखो सिर धोया, ठंड में भी गीला है सिर, बाल गीले हैं, आज संडे भी है। तो गाइस देखता हूँ अभी नहाने, देखता हूँ उनका जाना है मंदिर, मंदिर जाना है, बाल गीले हैं अभी जर्सी। तो गाइस जाते देते हो, कुक करते नहाने के लिए, जो धोती कर लेती हूँ अपनी, जो कि मेरा डेली रूटीन है, मैं अपनी डेली रूटीन को मैं कर लेती हूँ। सबसे पहले जाती हूँ ऊपर देवता का नहाने के लिए, गाइस नहाने के लिए जाती हूँ। चल वगैरह भी बन चुकी है, दूध भी रख लिया है मैंने, सब कुछ आ गया ही होगा इस नीचे, सबने नीचे चाय पी ली है, नीचे सब कुछ नीचे गए, चाय सब लेटे हुए हैं, ठंडा है, बाहर कोई नहीं निकल रहा है अभी, बहुत ठंडा। और मैं अपना डेली रूटीन अपने नेम टाइम कर लेती हूँ, जो कि मेरे पूजा पाठ वगैरह जो है मेरे नेम टाइम में उनको कर लेती हूँ। देवता नहाए आती हूँ ऊपर छत पर, कपड़े भी लगे हुए हैं, कपड़े भी धोने हैं गाइस, तो कपड़े वगैरह धोने हैं, अभी बाल गिरे थे जर्सी थोड़ी देर में पैर। तो गाइस करती फिर वीडियो को कंटिन्यू, आगे बने रही है वीडियो में, आगे दिखाती हूँ गाइस सब आपको। तो गाइस अदरक और इलायची डालकर दूध उबाल लिया है बच्चों के लिए, अदरक और इलायची डालकर कर लिया है, और दूध पिएगा अदरक इलायची वाला, ठंड हो रही बहुत ज़्यादा यहाँ पे, हो रही है चलो। सो गाइस यहाँ पे कर लेती मैं अपने पूजा के बर्तन वगैरह साफ, दे सकते हैं आप, ये था लोटा जो कि मैं रोज़ भर के रखती हूँ, इसको भी मैं साफ़ कर लेती हूँ, और मेरे सालिग्राम जी थे इनको भी मैं नहला लेती हूँ अपने। तो गाइस उसके बाद जाऊँगी मैं ऊपर वन देवता पे, तो देवता पे आ चुकी हूँ गाइस, ऊपर देवता नहा रही हूँ मैं, देख सकते हैं आप छत पर रखे हुए हैं हमारे देवता जी, देवता महाराज। तो गाइस वहाँ पर देख सकते हैं दूध मैंने चढ़ा दिया है और नला दिया है मैंने अच्छे से, देवता को मैं जला लेती हूँ मैं ज्योत, जिस तरीके से करते हैं पूजा गाइस उस तरीके से मैं अपनी कर लेती हूँ मैं पूजा यहाँ पर। तो गाइस वैसे तो आज संडे था, संडे का दिन भी देवताओं का दिन, पितरों का दिन ही होता है, तो उस दिन भी कर लेती हूँ, लेकिन मैं डेली करती हूँ अब इनकी
जली लाती हूँ मैं अपने देवताओं को, छत पर ही है तो यहाँ पर मैं तुलसी रखी हुई थी हमारे, यहाँ पर डाल लेती हूँ मैं तुलसी में पानी और थोड़ा थोड़ा पेड़ों में डाल लेती हूँ सारे में पानी। तो गाइस मेरी पूजा हो चुकी है, सुबह की कर लिए मैंने पूजा अपनी। अच्छा इसको फोन चाहिए, वैसे ये हर सुबह उठता ही फोन के लिए रोने लग जाते हैं। पर मैं जस्टी क्या चल आलू गोभी, आलू गोभी, गाजर मटर, सूखी सब्जी और पूरी। पापा तो ना खाइए गोभी, पापा परहेज है गोभी को, मैं तो आलू टमाटर बना दिया, मैं सोच रही आलू टमाटर की पतली सब्जी बना लूं, पतली सी आलू टमाटर सब्जी पूरी। मुझे तो सब चावल अच्छे लगते हैं, तो तुम चावल खा लियो, जैसे चावल खाने चावल, जैसे पूरी खाने पूरी। हाँ, तो मैं खाएगा। आलू टमाटर की पतली सी सब्जी बनाऊंगी, उसके लिए मैंने उबाल ली है, एक किलो दी है आलू और पूरी के लिए बोल रहे हैं सब, तो करते हैं फिर। सुबह से मैंने आलू वाले रख दिए हैं सब्जी बनाने के लिए और यहाँ पे रख दिया मैंने आटा, थोड़ा सा आटा भूनूंगी यहाँ पर, बनाऊंगी मैं थोड़े से लड्डू, दिखाती क्या बनाती हूँ लड्डू या फिर चक्की बोलते हैं यहाँ पे, तो वैसे हम कतली बोलते हैं, कतली बनाते हैं गुड़ गुड़ की, तो दिखाती क्या बनाती हूँ गुड़ लड्डू बनाती हूँ क्या कतली बनाती हूँ। तो बाल बहुत हल्के हो गए, बिल्कुल छिपते हो गए बाल, हल्के हो गए बहुत ज़्यादा टूटे। सो बस तो करते हैं, कितने वो मूँगफली छिल रहे हैं अंदर बैठे बैठे, और हम बना कर लेते हैं यहाँ पर काम, सो गाइस यहाँ पे भूल लिया था मैंने थोड़ा सा आटा। वैसे तो ज़्यादातर हमारे घर में मीठा मीठा खाना पसंद नहीं करते, कोई भी कोई खाता ही नहीं है, ऐसे वेस्ट ही जाता है। फिर भी मैंने, क्योंकि आज त्यौहार था तो उसके लिए मैंने बना लिया है, थोड़े से देख सकते हैं आप, थोड़ा सा ही भून लिया है मैंने आटा, और आटा मेरा थोड़ा सा भुन चुका है, मैंने वो छान कर अच्छे से एक परात में मैंने कर लिया है थाली में। और यहाँ पर मैंने कर लिया है थोड़ा सा गुड़, देख सकते हैं हमको थोड़ा सा गुड़ पिला रही हूँ, और साथ के साथ ही मैंने उबाल लिए थे आलू, आलू उनको भी मैं छील लेती हूँ सब्जी वगैरह के लिए, क्योंकि सब्जी बनाऊँगी पूरी बनाऊँगी तो उसके लिए। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं गुड़ किस इस तरीके का हो गया था मेरा, और उसमें देख रही थी मैं कि ये मैंने अब मूँगफली वगैरह छील चुकी है, ये देख सकते हैं आप मूँगफली मैं छील चुकी है। यहाँ पर मैंने कर लिया थोड़े से तिल, तिल को मैं अच्छे से थोड़े से मैं कर लूँगी, भून लूँगी थोड़े से अच्छे से, इनको कर लेती हूँ रेड रेड से, देख सकते हैं आप हल्के से मैंने भून लिए हैं तिल। और यहाँ पे कर लिया मैंने एक गोला जो कि मैंने कस लिया है गोला, और ये सब चीज़ें मैंने रख ली हैं अपने साथ, उसमें डाल दी है मैंने आटे में, गोला डाल दिया है, तिल डाल दिए हैं, वो मूँगफली डाल दी है गाइस, थोड़ा सा डालूँगी मैं इसमें घी, और उसमें डाल दिया है मैंने वो। तो गाइस इस तरीके से मेरे से थोड़े से ही लड्डू बनाए थे मैंने गाइस। और यहाँ पे बना लेती हूँ मैं सब्जी साथ के साथ, देख सकते हैं सब्जी बिल्कुल ऐसी बनाऊँगी, बिल्कुल भंडारे वाली, बिल्कुल भंडारे वाला स्वाद आएगा सब्जी में गाइस, बिना लहसुन प्याज के सब्जी बनाऊँगी, क्योंकि दीदी आई हुई है बिना लहसुन प्याज के वो खाना खाती है, तो उसके लिए भी, और वैसे भी बहुत ही अच्छी बनती है बिना लहसुन प्याज की भी सब्ज़ी। तो देख सकते हैं हम गाइस यहाँ पर मैंने लगा दिया तड़का सब्जी में, और ये टमाटर वगैरह मैंने डाल दिए हैं यहाँ पर। तो गाइस बिल्कुल भंडारे वाली सब्जी बनेगी, आप देख सकते हैं कलर भी कितना इसमें कितना अच्छा कलर आया। यहाँ पे मैं मटर वगैरह जो थी मटर में साथ के साथ सारी मटरों को छील कर रख लेती हूँ ये डिब्बे में, तब भी मुझे बनानी होती है तो मैं थोड़ी थोड़ी मटर इसमें से लेती रहती हूँ, और इसमें से मैंने डाल दी थोड़ी सी मटर, और इसमें कस्तूरी मेथी वगैरह डालकर मैंने अच्छे से मसाला मेरा भुन चुका है, देख सकते हैं आप बहुत ही अच्छे से मैंने मसाले में भुन चुका है। और इसमें डाल देती हूँ मैं अपने जो मेस करे हुए आलू है, आलू मेस करके मैंने अच्छे से इसमें डाल दिए हैं। तो गाइस देख सकते हैं सब्जी भी मेरी बन चुकी ही है, और इसमें लगा दूँगी एक, मैं ढक कर रख देती हूँ, और इन जो मैंने आई लड्डू बनाए थे इनको मैं रख देती हूँ एक डिब्बे में, डिब्बे में कर कर रख देती हूँ गाइस। तो और ये बन चुकी है मेरी सब्जी, देख सकते हैं इसमें कितना अच्छा कलर आया है, और खाने में भी बहुत ही स्वाद बनी थी गाइस।
गाइस आज हो रही है हमारे घर पे पार्टी, क्योंकि आज हमारे घर पे नए नए मेहमान आए हुए हैं। देख सकते हैं आप, ये है हमारी पूजा दीदी और वृंदा कौन गई, ये है हमारी वृंदा। क्या खाएगी तू, क्या खाएगी है वृंदा? खाएगी लड्डू। और यहाँ पे चिल्ली पटेटो पर क्या है ये रोल्स, और दीदी खा रही है सही बल्ले, क्योंकि दीदी लहसुन प्याज नहीं खाते, इनमें लहसुन प्याज गिरे हुए हैं। इसे चिल्ली पटेटो खिला एक बार। तू लहसुन प्याज खा लेता है? ये नहीं खाता। फिर क्या खा रहा है? अच्छा, ये भी ना खाता लहसुन प्याज। ए काली, चलो करते हैं फिर वीडियो को कंटिन्यू आगे खाकर। मुझे भी खिलाइए ना चिली पटेटो। सात्विक मजे आ रहे तेरे वही रहेगा। देखा बोल दे गाइस, खा लो आप भी खा लो। वो रहे नौ क्या इनके ससुर भी हमारे व्लॉग देखते हैं और मेरा ससुर भी देखता है। तुम तो दिखाओ दिखाओ, मैं अभी मार दूंगी। हम वेकेशन एंजॉय करने आए हैं। तो हम बैठे बात कर रहे हैं, तुम्हारे घर में आएंगे देख लेना। देखने के लिए तुम्हें व्लॉग डालो यूं अभी देखो। हाय गाइस, ये गाइस कई व्लॉगर में आ चुकी है, इसको कोई वैसे भी जरूरत भी ना देखने की। मेरी मुंह दिखाई हो रखी है, हो रखी है सब हो ना बन गया सब ना तो गाइस। और ये है बच्चे फोन चला रहे, देखो वही खूब लगो पड़ो पता ही हुई है। हाँ ये बड़ी दीदी है, ये छोटी दीदी है, ये मोटी दीदी है। तो देख ले हंस दे, दादा देखे बच्चे उन्हें पता चलता है कैमरे शूट हो रहा हो तो देखना एक्टिंग करने लग जाते हैं, हंसते भी नहीं है। देखिए तो खुद उसके तो आप तो इतनी वीडियो फोटो खींचता ले रंदी रंदी बात करो ऐसे दीदी उसकी दादी दादी लेके हंस।